A very warm good morning to all of you my friends. आप सभी का हमारे चैनल The Study Take में स्वागत है. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 24th June 2022. 24 June 2022 के जितने भी important article and editorial होंगे हम उनको discuss करेंगे. So video बहुत ज़्यादा important है आपकी exam point of view के लिए. Okay? और इसलिए important है क्योंकि आज article भी बहुत ज़्यादा important आए हैं और आपके editorial भी बहुत ज़्यादा important आए हैं. Okay? So I request all of you to please not skip the video and watch till end. एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट. ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट. ठीक है, सो लेट्स मूव. वीडियो बायलैंग्वल है, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज पेपर. द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल केम फ्रॉम द ब्रिक्स which supports dialogue between Russia and Ukraine. Okay, now BRICS के बारे में यहाँ बात की गई है, तो आपको BRICS की basics आपको पता होना चाहिए. ठीक है, you have to know the basics of BRICS. Okay, so let's discuss the basics. Okay, ब्रिक्स क्या है? फाइव मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज को मिलाकर एक ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, ब्रिक्स का जब फॉर्मेशन हुआ था तो वो पहले ब्रिक्स नहीं था. ठीक है, इट वॉज अर्लियर ब्रिक. ठीक है, अर्लियर इट वॉज ब्रिक, इट मीन्स ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना. एंड 2010 द इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका लेड टू द ब्रिक्स. ठीक है, जब इंडक्शन हुआ साउथ अफ्रीका का, उसके बाद यह ब्रिक्स बना. ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है मैंने आपको बता दिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, द मेंबर्स आर नोन फॉर दियर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल अफेयर्स. ठीक है, तो रीजनल अफेयर्स के लिए जाने जाते हैं, एज वेल एज हमेशा से मैं आपको बताते आया हूँ. ठीक है, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है 2006 में हुआ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुएगा. मैं ये बार बार कहता हूँ कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में हुआ, सिंस उसकी मीटिंग हुई थी 2009 में. ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी 2009 में और उसके बाद से एनुअली वो बार बार मिलते हैं और डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक्स के ऊपर. ठीक है, हम इसका मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन कब हुआ था, लिख देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था 2006 में. ठीक है, फॉर्मेशन 2006 में हुआ था और फर्स्ट मीटिंग हुई थी, लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट मीट हुई थी 2009 में. ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं. ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ, दीज आर द फाइव कंट्री विच लाइज इन ब्रिक्स और ब्रिक्स, और इसका जो करेंट सेट है ब्रिक्स लीडर का, दे आर फ्रॉम, इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है ये. जी जिनपिंग इसमें पहले आते हैं, व्लादिमीर पुतिन जिसके बाद, जेयर बोलसोनारो इसके बाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके बाद आते हैं और सबसे लास्ट में क्रेल रामापोसा जी आते हैं. ओके, नाउ मैं आपको बताया कि पहले ब्रिक्स था, उसके बाद 2010 में इंडक्स होके ये ब्रिक्स बना. Okay, तो ब्रिक जो ब्रिक्स है ये कंबाइंड एरिया कितना बनाते हैं, तो 3,97,46,220 किलोमीटर स्क्वायर का एक कंबाइंड एरिया बनाते हैं विद एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ 3.21 बिलियन. ठीक है, और जो पूरी जितनी पूरी लैंड की सरफेस है ना, उसका 26.7% आपको इनसे मिल जाएगा. ओके, 41.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसमें लाइक करती है एंड 4 out of 5 मेंबर्स आर अमंग द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया. ठीक है, अगर आप साउथ अफ्रीका को एक्सक्लूड कर दें तो इसमें जो चारों कंट्रीज हैं, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चाइना भी है वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, उसके बाद इंडिया भी है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. ठीक है, तो चारों जो हैं वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कंट्रीज है बाई बोथ पॉपुलेशन और बाई बोथ एरिया. ठीक है, तो एरिया में अगर देखें तो आप रशिया आपको मिल जाएगा. ठीक है, पॉपुलेशन में देखो तो आपको चाइना मिल जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में देखो तो आपको इंडिया मिल जाएगा. तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म है. ठीक है, तो हमेशा से मैं आपको बोलता आया हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा. ठीक है, मीटिंग को आपको याद रखना है, पहली मीटिंग हुई थी 2009 में, 16 जून को पहली मीटिंग हुई थी येकातेरिनबर्ग में. ठीक है, येकातेरिनबर्ग में हुई थी इसकी मीटिंग. ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में. ठीक है, नाउ ये मीटिंग बुलाया गया है प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, ब्रिक्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए, एज हम लोग सब जान रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ब्लेम कर रहे हैं सेल्फिश एक्शन के लिए, ब्लेमिंग सेल्फिश एक्शन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो भी वर्ल्ड में फेस करा जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ाया जा रहा है, ये सैंक्शन की वजह से हो रहा है, ये किसका कहना है, वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है. ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने ये मीटिंग बुलाई है. ठीक है, एंड इसको किसने होस्ट किया है, इसको चाइना ने इस बार होस्ट किया है. इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसको किसने होस्ट किया था, इससे पहले हुई थी 2021 में, सितंबर में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे इंडिया ने होस्ट किया था. ठीक है,
तो ये जो मीटिंग है इसमें डिस्कस किया गया है रिलेटेड द सिचुएशन इन यूक्रेन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो हुआ अर्थक्वेक से जो अभी आज के डेट में जो इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है उसमें भी उसकी वो भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है, और वेरियस टॉपिक्स पर बात किया गया उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री हैव अ वेरी सिमिलर व्यूज ऑफ द गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्रीज जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उसके अंदर, ठीक है, उनके बीच में एक सिमिलर व्यूज है, वेरी सिमिलर व्यूज है रिगार्डिंग द गवर्नेंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड दे हैव प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन नंबर्स ऑफ एरियाज, ठीक है। दे नीड्स दे हेल्प्स ही नीड्स एंड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये सब सारी चीजें कि ही हेल्ड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन नंबर्स ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग एनडीबी, ठीक है, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, सेटेलाइट्स एग्रीमेंट, कोविड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, म्यूचुअल कॉग्निशन एंड फार्मा प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कोविड 19 वैक्सीन एंड मेडिसिन, ठीक है। तो कॉपरेशन की जरूरत है इन नंबर्स ऑफ एरियाज में, ठीक है, सारी एरियाज में फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इस टाइम जो मीटिंग हुई है वो कल के दिन हुई है, 23 जून 2022 में जो मीटिंग हुई है कल के दिन हुई है, और इसको हॉस्ट किसने किया, चाइना ने हॉस्ट किया, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका हॉस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अगेन ब्राजील पे आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रिक्स का पूरा फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक इमर्जिंग कंट्रीज इसके अंदर लाई करती है, ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, सो लेट्स गो टू द एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। पहला एडिटोरियल आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है, तो रिलीजियस रिलेटेड हम चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मुस्लिम्स वगैरह के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया है, अगर बताया तो मैं थोड़ा क्रिटिक्स हो सकता है वीडियोज में भी, इसको हटा दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा, इसलिए हम इस पहले एडिटोरियल पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। सेकेंड एडिटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर यूक्रेन एंड इट्स वुमेन राइट, ठीक है। पर बात की गई है इस्तांबुल कन्वेंशन की, ठीक है, सो इस्तांबुल कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और रिसेंटली जो यूक्रेन है इसने रिसेंटली रेक्टिफाई कर दिया है इस्तांबुल कन्वेंशन को। क्या है इस्तांबुल कन्वेंशन, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आकांक्षा खुलार जी हैं जो जिन्होंने इस आर्टिकल एडिटोरियल को लिखा है, बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने लिखा है, और बहुत ही मैं आपको बता दूं बहुत ही इनफैक्ट इन्होंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है इस एडिटोरियल में रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन यूक्रेन, ठीक है। सो इस्तांबुल कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें यहां पर लगभग एक शॉर्ट कंक्लूजन में ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज इस्तांबुल कन्वेंशन, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ठीक है, तो आपको पता चल गया प्रिवेंट और कॉम्बैक्ट, ठीक है, प्रिवेंट और कॉम्बैक्ट वायलेंस, ठीक है, वायलेंस जो होता है अगेंस्ट वुमेन उसके खिलाफ प्रिवेंट करना उसको और कॉम्बैक्ट करना लड़ना उससे, ठीक है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, तो बेटर नोन एज इस्तांबुल कन्वेंशन, ठीक है। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, it is mainly prevention and combating violence, ठीक है, तो वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रही है, ठीक है, वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने का, उसको कॉम्बैक्ट करने का काम करती है ये इस्तांबुल कॉन्वेंशन, ठीक है, या फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो उसको काम करने का, उसको देखने का काम करती है क्या इस्तांबुल कॉन्वेंशन। इज अ ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन राइट ट्रीटी है किसका, काउंसिल ऑफ यूरोप का, अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस विच वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 11th of May 2011 इन इस्तांबुल टर्की, ठीक है, तो इसको साइन किया गया था 11 मई 2011 में इस्तांबुल टर्की में, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वेंशन है एज पर रिगार्डिंग टू द ह्यूमन राइट ट्रीटी, ठीक है, ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इट इज टोटली अगेंस्ट द वायलेंस, ठीक है, वुमेन का अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर कोई भी वायलेंस हो गया अगर उसके अगेंस्ट है तो उसके खिलाफ ये काम करती है, ठीक है, तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो कन्वेंशन है उसका मेन एम क्या है, प्रिवेंट करना वायलेंस, ठीक है, एंड विक्टिम प्रोटेक्शन एंड टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ परपेट्रेटर, ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। एज ऑफ मार्च 2019 इट हैज बीन साइंड बाय 45 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो 2019 मार्च में इसको साइन किया गया 45 कंट्रीज और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑन मार्च 12, 2012 टर्की बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रेक्टिफाई द कन्वेंशन, ठीक है, और टर्की 2012 में टर्की बन गया पहला कंट्री जो इसको इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया, ठीक है।
फॉलोड बाई 35 अदर कंट्री फ्रॉम 2013 टू 2022। ठीक है, उन कंट्रीज के आपको नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। आपको ये होप आपको ये इस्तांबुल कन्वेंशन तो समझ में आ रहा है ना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि प्रिवेंट करता है, कॉम्बैट करता है वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रही होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो, डोमेस्टिक जितनी भी वायलेंस है उसको प्रिवेंट और कॉम्बैक्ट करने का काम करता है ये इस्तांबुल कन्वेंशन। ठीक है, और तुर्की बन गया था पहला कंट्री, इसको रेक्टिफाई किया था तुर्की ने, और उसके बाद 35 अदर कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया बिटवीन 2013 टू 2022। ठीक है, उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ कंट्रीज के, अल्बेनिया, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ठीक है, साइप्रस हो गया इसमें, एस्टोनिया भी मिलेगा, फिनलैंड भी मिलेगा, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज है, लक्समबर्ग, ठीक है, मॉल्डोविया, मॉल्को, ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, पोलैंड हो गया, तो ये सब कंट्रीज इसके अंदर अलाइक करती है। ठीक है, तो ये 35 कंट्रीज के नेम है, आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा बस ऐसी। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जो यहाँ पर आपको तंग करेंगी, ठीक है, तो फिर भी आपको ऐसे वर्बली याद रखना है। ठीक है, तो जो कन्वेंशन है केम इनटू फोर्स ऑन अगस्त 2014, फर्स्ट ऑफ अगस्त 2014 के बाद इस कन्वेंशन को फोर्स में लाया गया। ठीक है, इन 2021 तुर्की बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन। ठीक है, और 2021 में तुर्की फर्स्ट और ओनली कंट्री बन गया जो विदड्रॉ किया इस कन्वेंशन से, एंड आफ्टर डी अनाउंसिंग इट ऑन 20th March 2021। ठीक है, द कन्वेंशन सीज टू बी द इफेक्टिव इन तुर्की ऑन 1st of July 2021 फॉलोइंग इट्स डिनिशंस। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुर्की पहला कंट्री था जिसको रेक्टिफाई किया, उसके बाद पहला कंट्री बन गया जो इसको हटाया। ठीक है, जो जिसने क्या किया, इसको जिसने इसको डिनाउंस किया, विड्रॉ किया। ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आर्टिकल में ऑथर के द्वारा ये कहा गया है कि जो यूक्रेन में हो रहा है, ठीक है, जो यूक्रेन में हो रहा है वो बहुत ही एक दर्दनाक है। ठीक है, रिगार्डिंग वुमेन्स, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन जो चल रही है, क्राइम्स, वायलेंस चल रहा है, ठीक है, जो रशियन सोल्जर ने किया है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ठीक है, और ये सब कुछ इसमें बताया गया है, एक्चुअली मानने को तो तैयार नहीं है। ठीक है, जो भी डेलीगेशंस हैं रशिया के, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर की गई है। ठीक है, हावेवर ऑथर ने कहा है कि ये सब किया गया है। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं क्या कुछ हुआ है, इसमें आर्टिकल में हम प्योरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है ये बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद, ऑब्वियसली बहुत दिन के नहीं, बहुत सालों के बाद जाकर इस्तांबुल कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया इन्होंने। ठीक है, ओके, तो यूक्रेन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया 20 जून को, रेक्टिफाइंग द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो 20 जून को इन्होंने एक बिल पास किया और उन्होंने रेक्टिफाई किया काउंसिल ऑफ यूरोप का ये इस्तांबुल कन्वेंशन, जिसमें वुमेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की बात की गई है, प्रिवेंशन एंड कॉम्बैक्टिंग वायलेंस की बात की गई है अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, बेटर नोन एज इस्तांबुल कन्वेंशन। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम पर, इसको जाना जाता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फार रीचिंग इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू सेट legally binding standard for government in Europe for the prevention, protection and prosecution of gender-based violence. ठीक है, तो gender-based violence को ये क्या करते हैं, ये prevent करते हैं, protect करते हैं और prosecute करते हैं। Okay, it's again important. इसमें क्या हुआ, इस इनकी जो parliament है इनमें 259 members हैं जिन्होंने favor में इस bill के favor में vote किया और 8 members was against it and 25 of them voted blank and 47 were abstained. ओके, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ जो भी चीज़ें यहाँ पर यूक्रेन में हुई, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर यूक्रेन में हुई ये बहुत पहले से होता जा रहा था, ये बहुत पहले से डिस्कस किया जा रहा था। और वाइल द कन्वेंशन वॉज फर्स्ट साइंड बाई यूक्रेन इन 2011, ठीक है, 2011 में इसको पहली बार साइन किया गया था। ठीक है, एंड डिस्पाइट रिपीटेड कॉल फॉर द एक्टिविस्ट टू रेक्टिफाइड इट, द गवर्नमेंट फॉर द ईयर रिमेन्स स्टबर्न मोटेड ऑन द सब्जेक्ट एंड कंटिन्यू टू डिले इट्स रेक्टिफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, तो बहुत सारी रीजन की वजह से, ड्यू टू ऑपोजिशन, रिलीजियस कॉन्जर्वेटिव ग्रुप्स की वजह से इसको रेक्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को। ओके, और जो गवर्नमेंट है उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रही थी डिस्पाइट ऑफ वेरियस कॉल फ्रॉम द एक्टिविस्ट। ठीक है, तो एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इसको कॉल कर रहे थे कि इसको रेक्टिफाई किया जाए अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको लागू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा। ठीक है, लेकिन नहीं इसको किया गया। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, वेरियस रीजन की वजह से, चाहे वो रिलीजियस हो गया, चाहे वो कॉन्जर्वेटिव ग्रुप्स की वजह से हो गया, इसको उसकी वजह से नहीं किया गया। ठीक है,
एट लास्ट उसको बाद में फिर यूक्रेन विट केम क्लोज टू रेक्टिफाई द कन्वेंशन इन 2016, ठीक है 2016 में भी यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था कि रेक्टिफाई करने ही वाला था इस कन्वेंशन को, बट फेल्ड, ठीक है अगेन इट्स फेल्ड आफ्टर अ मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट वोटेड अगेंस्ट, ठीक है जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर एक अपोजिशन का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर ये फेल्ड हो गया और इसको नहीं कर पाया रेक्टिफाई, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट रिसेंट डिसीजन टू रेक्टिफाई द कन्वेंशन इज ह्यूज स्टेप फॉरवर्डिंग protection of women and girl from all form of violence whether in Ukraine and abroad and could not be more timely for number of reasons, ठीक है अगेन इंपॉर्टेंट जो ये चीजें हुई है अभी जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और जो कन्वेंशन को रेक्टिफाइड किया गया एक बहुत ही बड़ा स्टेप है टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड द गर्ल फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है गवर्नमेंट ने भी 2011 से उसके बाद स्ट्रगल कंटिन्यूसली करते आई है गवर्नमेंट, ठीक है उसके बाद जाकर ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2022 में आपको यहाँ पर इसने गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, ठीक है और इसको रेक्टिफाई किया रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है द रिस्क ऑफ वुमेन बिकम विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन यूक्रेन हैज इंक्रीज, ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इन कोर्स, ये कैसे इंक्रीज हुआ ये बताया जा रहा है कि जो रशिया का 8 साल का कंटिन्यू जो ये कोर्स था ओवर द रशिया 8 ईयर वॉर, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, वायलेंस बहुत ज़्यादा अगेंस्ट वुमेन बढ़ा, ठीक है। इनफैक्ट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्ट दैट हैव इमर्ज्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ रशिया इन्वेजन इन लेट फरवरी, ठीक है तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता आया कब से जब रशिया ने इन्वेज किया इन यूक्रेन इन लेट फरवरी 2022, ठीक है। एंड ओनली सजेस्ट दैट द रशियन ट्रूप्स हैव बीन यूजिंग रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस एज अ वेपन ऑफ वॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर टू कंट्रोल सिविलियंस, ठीक है तो सिविलियंस को कंट्रोल करने के लिए एक ये अच्छा वेपन क्यों नहीं यूज कर रहा है रशियन ट्रूप्स यूज कर रहे हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई ऑथर के द्वारा। ओके सो दीज आर द थिंग्स और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऑफकोर्स रशिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इस एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। रशिया ने विड्रॉ किया अपने ट्रूप्स को फ्रॉम बूचा वेयर सम नियरली 20 वुमेन्स एंड गर्ल्स वेर असॉल्टेड बाय फोर्स, ठीक है तो लगभग 20 से भी ज़्यादा वुमेन्स वहाँ पर असॉल्टेड हुई थी बाई फोर्स और 9 ऑफ होम वर प्रेगनेंट फ्रॉम द असॉल्ट, ठीक है तो रशियन अथॉरिटी ने डिनाई किया जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्सुअल अब्यूज़ को उनके ट्रूप्स के द्वारा रशियन अथॉरिटीज़ ने उनके डेलीगेशन ने डिनाई किया है। द ट्रूथ इज दैट द वुमेन इज इन यूक्रेन हैव डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाई द वॉर, ठीक है तो जो वुमेन है यूक्रेन में वो बहुत ही ज़्यादा फेस किया है इस वॉर में, ठीक है और जो वुमेन है उन्होंने इस टाइप का जेंडर बायस चीज़ें यहाँ पर देखी है तो इसकी वजह से ये जो कन्वेंशन है इसको यहाँ पर एक्टिव करना पड़ा रेक्टिफाई करना पड़ा, ठीक है। द प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन कुड दस इक्विप द यूक्रेनियन अथॉरिटीज टू डील विद दिस एट्रोसिटीज एंड सर्व टू रीअश्योर द सर्वाइवर्स एंड प्रोवाइड देम विद कॉन्फिडेंस टू सीक जस्टिस, ठीक है तो जो जितना जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ इस कन्वेंशन का इसके तहत क्या किया जाएगा जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ है ये डील करेंगे विद एट्रोसिटीज़ एंड दे विल प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस ऑफ द दोज हु सीक जस्टिस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो कन्वेंशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन यूक्रेन और उसके बाद जाकर 2022 जून में इसको रेक्टिफाई किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। ओके बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ। ओके डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस इन यूक्रेन सिंस 2003, ठीक है 2003 के बाद अगर देखें तो जो डोमेस्टिक वायलेंस था इट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस विच इज़ अ पनिशेबल बाय अ फाइन, ठीक है ये पनिशेबल है बाय फाइन के द्वारा एंड कम्युनिटी वर्क अप टू 60 आवर एंड बाय इंप्रिजनमेंट अप टू 15 डेज, ठीक है। बाद में क्या हुआ इन 2019 सिस्टमैटिक डोमेस्टिक वायलेंस जो हुआ विच वॉज क्रिमिनलाइज, ठीक है तो इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया 2019 में विच इन प्रैक्टिस मीन्स द क्रिमिनल चार्ज विल ओनली बी इम्पोज इफ द अब्यूजर कमिट 3 ऑफेंस इन अ ईयर, ठीक है तो एक साल में अगर 3 ऑफेंस वो करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनलाइज के तहत उसको क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा अगर एक साल में वो 3 क्राइम को ऑफेंस करता है, ठीक है 3 क्राइम को ऑफेंस करता है, ठीक है तो 3 ऑफेंस अगर करेगा तो ये उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है। जो कन्वेंशन है इट्स रेक्टिफाइड ओनली इन द सेंस द कन्वेंशन रेक्टिफाइड विल नॉट ओनली एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ अब्यूज अगेंस्ट द वुमेन पनिशेबल बाय लॉ इन यूक्रेन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड द साइकोलॉजिकल अब्यूज स्टॉकिंग फोर्स्ड मैरिज फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज फोर्स्ड अबॉर्शन स्टरलाइजेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड द अथॉरिटीज विद द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स, ठीक है अगेन इट्स
इंपॉर्टेंट. ये ना केवल सिर्फ वुमेन्स को प्रोटेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज, फोर्स अबॉर्शन, स्टरलाइजेशन, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा, एक चेंजेस लाएगा इन दिस लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर्स में. ठीक है, इट विल ऑल्सो मीन दैट यूक्रेन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मोर सेंटर फॉर वुमेन एंड ट्रेनिंग सोशल वर्कर्स टू एडुकेट हैंडल केस ऑफ सेक्शुअल वायलेंस एंड इंक्रीजिंग रिसोर्स ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल फॉर विक्टिम्स. ठीक है, तो एक क्या कर रहे हैं यूक्रेन है जो बहुत ज़्यादा एक वुमेन्स को शेल्टर दे रहे हैं. ठीक है, फाइनेंशियली प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, फाइनेंशियली शेल्टर दे रहे हैं. ठीक है, सोशल वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये सब जो चीज़ें हैं उनसे वो हैंडल कर पाएँ. ठीक है, और रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर द विक्टिम्स. ठीक है, तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट और डिसिसिव स्टेप्स इन द फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस. द अडॉप्शन ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन विल हेल्प द यूक्रेन यूरोपियन इंटीग्रेशन. ठीक है, ये यूरोपियन इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जो हमने अभी अडॉप्ट किया है इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें मदद मिलेगी यूरोपियन इंटीग्रेशन में भी. ठीक है, गारंटिंग ह्यूमन राइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कंसीडर्ड व्हेन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स इज बीइंग एक्सटेंडेड टू अ कंट्री. ठीक है, सो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट. इट हैज दस बीन क्रूशियल फॉर यूक्रेन टू डेमोन्स्ट्रेट एक्शन दैट इट विल ब्रिंग कंट्री क्लोजर टू द यूरोपियन लेजिस्लेशन एंड वैल्यूज. ठीक है, तो यूक्रेन इससे जो इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई करने के बाद ये जो कंट्री है इट विल कम क्लोजर टू द यूरोपियन लेजिस्लेशन, ये यूरोपियन लेजिस्लेशन के करीब में आ जाएगी. ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया. इसकी वजह से अब क्या है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सॉफ्ट से चलेगी. ठीक है, उनको वुमेन्स को क्या मिलेगा, वो प्रॉपर एक सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और प्रॉपर उनके जो विक्टिम्स होंगे उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द रेक्टिफिकेशन. मिस्टर 13 जिमा आर्टिकल हाईलाइट दैट दस इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर यूक्रेन हैज़ बीन अप्लॉडेड बाई मेन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस जैसे ही इसका रेक्टिफिकेशन किया गया तो वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपलॉड भी किया, बधाइयां भी दी और बोला गया कि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. ओके, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन UNHRC के द्वारा भी बताया गया, EU के द्वारा भी बताया गया ऑन ह्यूमन राइट एंड होप दैट इट विल डिक्रीज बोथ नंबर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस केस. ठीक है, तो बताया जा रहा है कि अब जो इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया गया है इससे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम देखने को मिले इन यूक्रेन. इट विल ऑल्सो ब्रिंग यूक्रेन क्लोजर टू द अदर नेशन दैट हैव ऑलरेडी रेक्टिफाइड द कन्वेंशन. ठीक है, तो जो अदर कंट्रीज ने रेक्टिफाइड कर दिया है इस कन्वेंशन को उस कंट्रीज के साथ बहुत ही क्लोज आ जाएगा अब यूक्रेन. एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन द माइंड दैट इन फैक्ट दैट द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन विल रिक्वायर्स फाइनेंशियल रिसोर्स. ठीक है, तो अगर प्रॉपरली इस कन्वेंशन को अगर इम्पोज किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी विच सीम्स लाइक चैलेंजिंग गोल फॉर अ कंट्री ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक डाउनफॉल ड्यू टू रशियन इन्वेजन. ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस होगा अगर इसको रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉपरली इसको इंप्लीमेंट करते हैं इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन. ठीक है, तो उसको एक फाइनेंशियल प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत होगी जो कि अभी वहां पर है नहीं. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है उसकी इकोनॉमिक ड्यू टू द रशिया इन्वेजन. ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं आपको बोल रहा था कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आर्टिकल को डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी इस्तांबुल कन्वेंशन आपको याद रखना है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे वो कुछ भी स्टरलाइजेशन से हो, अबॉर्शन से हो, ठीक है, फोर्स्ड मैरिज से हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल अब्यूज हो गया, तो ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा वुमेन को इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अंडर द न्यू प्रेसिडेंट कोलंबिया हैज अ चांस फॉर स्टेबल ग्रोथ आफ्टर अ ईयर ऑफ ड्रग वॉर्स. ठीक है, तो ड्रग वॉर बहुत आप देख रहे हैं बहुत सालों से यहाँ पर ड्रग्स वॉर टाइप की चीज़ यहाँ पर फॉर्म हुई है और ये बोला जा रहा है कि न्यू प्रेसिडेंट के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ग्रोथ का चांस है कोलंबिया में. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे यहाँ पर आपको वायलेंस देखने को मिलेगा रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस भी किया है और उसके बाद इनको एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर बनाया गया. ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीता. ठीक है, और इन्होंने ही हैड नेवर कोलंबिया इट हैड नेवर वोटेड लेफ्टीएस्ट टू पावर इन द पास्ट. ठीक है, तो इन्होंने पिछले पास्ट में अगर देखा तो कोई भी लेफ्टीएस्ट को वोट नहीं किया है. ही वॉन 50.4 वोट्स. ठीक है, तो 50% से भी ज्यादा वोट से इन्होंने जीता. ठीक है, अगेंस्ट 47.3 ऑफ रोडोल्फो हेरनस. ठीक है, तो नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा आपको. ठीक है,
In Colombia, where a decade of long civilian war between the states and the revolutionary armed force of Colombia, ठीक है, तो एक स्टेट के बीच में और revolutionaries armed force of Colombia के बीच में हमेशा से आप देखेंगे कि एक सिविल वॉर यहाँ पर होता रहता है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सिचुएशन होती है कभी कभी इंटेंस भी हो जाती है, ठीक है. However, the but FARC decision to lay down arms and join political mainstream as a part of 2016 peace agreement widened the scope of leftist politics in the country, and Mr. Petro was quick to mobilize the newly created momentum with an economic program that broke from the Bogota consensus. ठीक है, so this is again एक ऐसा कंट्री जहां पर जो एनुअल इन्फ्लेशन 10% के आसपास है, 9.2%. आज के डेट में अगर मैं आपको करंट डाटा बताऊं तो 9.2% इन्फ्लेशन है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट है किसकी, कोलंबिया की, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो 15.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पर कोलंबिया में, ठीक है. पॉवर्टी रेट 35.7% पॉवर्टी रेट है यूक्रेन का, इसका कोलंबिया का, ठीक है. तो जो मिस्टर पेट्रो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि they are going to change, ठीक है, कुछ changes करने की बात की गई है, ठीक है, और बोला गया है कि हम try करेंगे कि change हो, ठीक है, और कुछ changes यहाँ पर लाएंगे वो in the factors, in the things, okay? तो एक stable growth और एक proper growth लाने की बात की गई है in this article, ठीक है, और यहाँ पर कुछ important है नहीं आपके लिए, ठीक है. तो ये जो दो थी ये important थी, और भी कुछ यहाँ पर important नहीं है. Let's move ahead, let's see another important article, ठीक है. The problem plaguing the thermal power generation, आपको पता है fuel की जो coal है उसकी shortage है, fuel तो shortage ऐसे है ही, जो coal की थी टाइम एक टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है. लेकिन ऑन जून 10th इंडिया पावर डिमांड टच अ न्यू हाई रिकॉर्ड ऑफ 211 मेगावाट इवन द कोल शॉर्टेज कंटिन्यू विद द कोल स्टॉक अवेलेबल ओनली फॉर द 8 डेज, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो कोल की जो शॉर्टेज थी वो हमने देखने को मिला, बहुत ज्यादा हमने कोल की शॉर्टेज देखने को मिली. स्टिल इंडिया पावर डिमांड टच किया, इंडिया का जो पावर डिमांड था ये टच किया न्यू रिकॉर्ड हाई, इन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया 211 मेगावाट का, ठीक है. और कोल का जो स्टॉक था वो मात्र सिर्फ 8 दिन के लिए सिर्फ बचा हुआ था. उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमने एक पावर डिमांड टच किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया 211 मेगावाट का, ठीक है. एंड इन लास्ट टू मंथ जो टेम्परेचर हुआ है वो बढ़ा है, ठीक है. सोड द इकोनॉमिक रिकवर्ड, जो इकोनॉमिक हुई है वो रिकवर्ड हुई है. द पावर जो डिमांड हुई है ये ब्रिज द 200 मेगावाट लेवल ऑन सेवरल ओकेजन्स, ठीक है. बट द कोल स्टॉक पोजिशंस एट द पावर प्लांट रिमेन वर्सियम्स, ओके. सो अगेन द कॉन्सिक्वेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्पैंग इन टू एक्शन एंड टू ब्रिज द गैप्स बिटवीन द शॉर्टेज इन द डोमेस्टिक एंड सप्लाईज एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स. द पावर जनरेशन कंपनीज एंड जेनकॉस were discredited to use imported coals of 10%, ठीक है. तो इन्होंने बोला कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मैं क्लियर कट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है. आपको पता है कि कोल के जो प्राइसेस हैं, कोल के प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है. कोल के प्राइस बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ठीक है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल विद रिजर्व डैट कुड लास्ट अप 200 years, ठीक है. तो विद रिजर्व डैट कुड लास्ट अप टू 100 years. डिस्पाइट दैट ईयर्स आफ्टर ईयर द शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाईज कंटिन्यू टू बी एन इशू, ठीक है. तो जो कोल की सप्लाईज है उसके रिगार्डिंग, जो कोल की जो शॉर्टेज है सप्लाई में जो शॉर्टेज है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इशूज हमने देखा है. उसके रिगार्डिंग एक ऑप्शन भी क्वेश्चन भी यहाँ पर इमर्ज होता है, दैट वाई डज इंडिया हैव रिकरिंग पावर क्राइसिस, ठीक है. एज सीन चार्ट वन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट कोल बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट रहा था बिटवीन द ईयर ऑफ 2017 एंड 2021. उसके बाद 2022 में अगर आप देखें तो अगेन इट्स रिवाइव्ड, ठीक है. अगेन इट्स रिवाइव्ड. जो पावर डिमांड था इट वाज टू सर्ज ओनिंग इट्स इकोनॉमिक रिकवरी एंड हॉटर वेदर कंडीशंस, ठीक है. जो 2017 से अगर 2018 के आप डाटा अगर देखें तो जो कोल की जो डिमांड थी, जो कोल का जो प्रोडक्शन था वो स्टैग्नेंट था, ठीक है. वो स्टैग्नेंट था, रिमेन था, ठीक है. ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ठीक है. लेकिन 2022 में इसको रिवाइव्ड किया गया एंड जो डाटा जो पावर डिमांड थी इट वाज टू सर्ज, ठीक है. इट वाज ओनिंग टू द इकोनॉमिक रिकवरी एंड hotter weather conditions, ठीक है. In press release published on 27th of May, the Ministry of Power noted that despite efforts to increase the supply of domestic coals, ठीक है. तो domestic coal की supply को बहुत ज़्यादा हम increase करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा efforts लगा रहे हैं हम, इसके बावजूद भी there is still a gap between the requirement of coal and the supply of coal, ठीक है. तो एक बहुत ही बड़ा gap है, ठीक है. हमने बहुत ही ज़्यादा हमने effort लगाया है कि जो supply है domestic coal की वो increase हो जाए, इसके बावजूद भी हम यहां पर देखें तो एक रिक्वायरमेंट ऑफ कोल और सप्लाई ऑफ कोल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है, ठीक है. अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2020
जो डोमेस्टिक सोर्सेज है कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स टू अबाउट 90% ऑफ द पावर सेक्टर्स एंड जो बाकी बचे हुए वो इंपोर्ट करके हम पूरे कर लेते हैं 100%। ठीक है, बट बाय 2022 अगर आप देखें तो जो रिलायंस है ऑन इंपोर्ट ड्विडल टू 3.8 विच बिल्ट प्रेशर ऑन डोमेस्टिक सप्लाईज। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डोमेस्टिक सप्लाईज है उसके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ा है। ठीक है, वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। एज चार्ट टू, यहाँ पर अगर आप चार्ट टू देखें तो जो चीज़ें हुई है यहाँ पर क्लियर कट आपको यहाँ पर मेंशन करती हुई दिखेगी। ठीक है, जो कोल का इंपोर्ट हुआ बाय द पावर प्लांट डिक्लाइन हुआ है 27 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल 2022 फ्रॉम 66.6 मेट्रिक टन इन 2017। ठीक है, तो 2017 में हम जो 66.06% मेट्रिक टन हम जो इंपोर्ट करते थे, ठीक है, कोल का इंपोर्ट करते थे बाय पावर प्लांट्स, ठीक है, तो वो डिक्लाइन हमें उसमें देखने को मिला है और फाइनेंशियल 22 में 27 मेट्रिक टन हमें यहां पर देखने को मिला। ठीक है, जो कोल हम इंपोर्ट करते हैं ना, एक्चुअल मैं आपको बता दूं उस कोल का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो कोल हम इंपोर्ट करते हैं उस कोल का प्राइस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड कोल इंपोर्टेड बाय द ब्लेंडिंग फॉर ब्लेंडिंग पर्पस, जो कोल इंपोर्ट होता है फॉर ब्लेंडिंग पर्पस बाय द पावर प्लांट देन रन ऑन इंडिजीनियस कोल डिक्लाइन टू 8 मिलियन टन। ठीक है, 8 मेट्रिक टन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 19.7 इन 2017। ठीक है, तो इसमें भी यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला। पास्ट डाटा हमें बताती है, पास्ट डाटा हमें यह बताती है इंपोर्टिंग कोल फॉर ब्लेंडिंग हैज ऑलवेज सीन फ्यू टेकर्स and a bulk of import was made by the power plant designers for import coal. Okay, so it's very important. आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक बिग यहाँ पर बिग एक जो डिप हमें देखने को मिला, दिस डिप इन इंपोर्ट कैन एट्रीब्यूटेड टू द स्काई रोटिंग प्राइस ऑफ कोल्स, ठीक है, इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वजह से जो प्राइस हुई है कोल की, ये बहुत ज़्यादा आसमान छूती गई है। ठीक है, स्काई रॉकेटिंग मतलब होता है कि इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली। ठीक है, स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली। ठीक है, द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कोल इज नियरली 5 to 6 टाइम हायर देन डोमेस्टिक सप्लाईज। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक सप्लाईज जो प्राइस होते हैं उसमें जो इंपोर्टेड कोल की जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो इसलिए बोला जाता है कि जो डोमेस्टिक सप्लाईज होती है उससे 5 to 6 गुना ये इंपोर्टेड कोल की प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया पहले भी कि जो इंपोर्टेड कोल है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल प्राइस है कोल का, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ चार्ट थ्री, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल प्राइस कैसे बढ़ता जा रहा है ग्राफ में, एकदम ऊपर की तरफ सर्ज होता जा रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द 2019-2020 रिपोर्ट बाय द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डिस्कॉम हैज एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 5.07 लाख करोड़ एंड वर देयरफॉर अनेबल टू पे जनरेटर ऑन टाइम। ठीक है, तो ये भी बताया जा रहा है कि जो एक यहाँ पर एक और रीजन से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जनरेटर्स हैं ये देवर अनेबल टू पे ऑन टाइम। ठीक है, तो ये टाइम यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं वो टाइम पर पे नहीं कर पा रही, टाइम पर नहीं दे पा रही जनरेटर्स को। ठीक है, जनरेटर टाइम पर नहीं दे रही है। ठीक है, डिस्कॉम्स इन तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो ये जो स्टेट है यहाँ पर आपको मिलेंगे जो डिस्कॉम्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पर जो डिस्कॉम्स होती है ऑफ ब्लेडिंग बिकॉज जो डिस्कॉम्स है वो ब्लेड हो रही है बिकॉज रेवेन्यू दे जनरेट इज मच लोअर देन देयर कॉस्ट। ठीक है, तो जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है वो उनकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द गैप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट ऑफ द सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड। एज यू कैन सी द चार्ट सिक्स को अगर आप देखें, यहाँ पर चार्ट सिक्स को अगर, इस चार्ट को अगर आप देखें तो जो तमिलनाडु है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, इट हैव अ वाइडेस्ट गैप बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस ऑफ डिस्कॉम्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप दिखाती है किसके बीच में, रेवेन्यू और एक्सपेंस ऑफ डिस्कॉम के बीच में यहाँ पर एक ये गैप दिखाती है। ठीक है, तो अगेन इट्स थिंग्स दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ रीजन्स बताए गए हैं कि क्यों यहाँ पर इंटरनेशनली कोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सप्लाई चेन में यहाँ पर ब्रोक देखने को मिला, कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम, जनरेटर्स टाइम पे नहीं दिए गए। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर रेवेन्यू का गैप देखने को मिलेगा, जो डिस्कॉम्स जो रेवेन्यू जो लगा रही है उससे उसको कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हुई है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हुई है। ठीक है, नाउ अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आज के डेट में पाकिस्तान आपको पता है कैसी इकोनॉमिक फेस कर रहा है। ठीक है,
पाकिस्तान इस आर्टिकल में आपको पहली बात बता दूं, इंडिया का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, इंडिया का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के डेट आज के डेट में जो जिस टाइप की इकोनॉमिक है उसके बारे में बात की गई है, आज के डेट में जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो बात किया गया है इसमें, ठीक है। IMF के क्या चैलेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। IMF मदद करना चाहता है लेकिन उसके सामने कुछ कंडीशन रख दिया है पाकिस्तान के सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि इस कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा वो करेगा। अगर नहीं करेगा तो IMF ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंजेस है। और कौन कौन सी कंट्रीज है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, और कौन सी कंट्रीज है जो ये भी बोल सकती है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कि मुझे पैसे चाहिए भैया और जितना जल्दी से जल्दी हो सके दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब भी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को है लेकिन उनके सपोर्ट में भी है, ओके। तो जो पाकिस्तानी अगर रुपीज आप देखें तो कंटिन्यूसली ये गिरती जा रही है। 2021 के मुकाबले अगर हम देखें तो उस टाइम पे $1 इज इक्वल टू 150 पाकिस्तानी रुपीज था, और अगर आज के टाइम पर अगर आप देखें 21 जून का ये बताया गया कि 2013 पाकिस्तानी रुपीज इज इक्वल टू $1, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है, बहुत ही तेजी से गिरती जा रही है। हमारे इंडिया का अगर आप बता दूँ तो $1, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 78.4 हो गया, ठीक है, 78.4 हो गया। तो अभी बहुत ही ज़्यादा हमारे भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये 100 पहुंच गया तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने की आपको बात है यहाँ पर, ठीक है। जो पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है इट हैव बीन डिप्लीटिंग ड्यूरिंग लास्ट वन ईयर, ठीक है। तो लास्ट एक साल से अगर आप देखें तो उनका फॉरेक्स रिजर्व भी खाली होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डाटा फ्रॉम $17.2 बिलियन इन June 2021 द नेक्स्ट रिजर्व with SBI have come down to 8.9 billion in June 2022, ठीक है। तो it has came down 8.9 पे आ गया है, $9 billion पे आ गया है। जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं फ्यूल के प्राइसेस, ठीक है, इन द लेट मे एंड अर्ली जून। बिसाइड दिस न्यूज जो न्यू बजट हुआ इसमें रिज्यूम किया गया पेट्रोल एंड डेवलपमेंट लेवीज टैक्सेस वगैरह इंपोज किए गए, ठीक है। दिस वुड मीन्स इंक्रीज ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में और आपको ऑयल की प्राइस में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, which has potential to bring people to the street, okay। So यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान अपनी वो फेस कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया किसके द्वारा, IMF का बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। क्या IMF फंड प्रोवाइड करेगा टू पाकिस्तान, ठीक है, क्या IMF फंड प्रोवाइड करेगा, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, और अब अगेन मैं आपको बता दूं कि IMF के जो चीज़ें IMF है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके बीच में जो टॉपिक उसके बीच में जो बातचीत हुई है हमें हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड ही हुई है, ठीक है। तो हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन दोनों का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन और भी बढ़ता गया कब से, जब से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से आए थे, ठीक है। क्यों आए थे वो भी मैं कैसे बढ़ा ये भी मैं आप बताऊँगा, ठीक है, कि IMF और पाकिस्तान के बीच में दूरी कैसे कैसे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इमीडिएट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक वुड डिपेंड ऑन IMF रिज्यूमिंग इट्स सपोर्ट, ठीक है। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ये पूरी पूरी डिपेंड है आने वाले दिनों में IMF के ऊपर, ठीक है। और IMF अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड उसी के स्टेबल रहेगी, ठीक है, तो गिरेगी नहीं। लेकिन अगर IMF अगर नहीं देती है, सपोर्ट नहीं देता है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर जाएगी, ठीक है। डिस्पाइट एन इंटेंस डिस्कशन बिटवीन द टू, ठीक है, जो इंटेंस डिस्कशन हुआ बिटवीन द दोनों IMF और द गवर्नमेंट के बीच में, देयर हैज़ नॉट बीन ब्रेक थ्रू अंटिल नाउ, ठीक है, कोई भी अभी तक ब्रेक थ्रू यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। पाकिस्तान रिलेशन विद IMF हैज रिमेन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड रहा है रिलेशन हमेशा से पाकिस्तान का, और ये बहुत ज्यादा बढ़ता गया है, ठीक है। IMF जो है थ्रू इस्लामाबाद हैज बीन नेगोशिएटिंग विद IMF रिपीटेडली, देयर हैज बीन इकोनॉमिक नेशनलिज्म मोस्ट जिंगोस्टिक अगेंस्ट अप्रोच ऑफ IMF इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। इमरान खान की यहाँ पर बात की गई है कि उनकी आने की वजह से जो उन्होंने किया है उसकी वजह से जो सेंटिमेंट हुआ है उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, IMF के अगेंस्ट उन्होंने ये चीजें एक्शन ली है, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग द PM in 2018, he preferred approach friendly countries Saudi Arabia, China, इनमें ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेते थे और IMF को बहुत ज़्यादा ये अवॉइड करते चले गए, ठीक है। और इसमें अवॉइडिंग का जो रीज़न था अवॉइड करते चले गए उसकी वजह से जो सेंटिमेंट हुआ है IMF का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ठीक है। और जो IMF है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है, देखिए
IMF के, आप अगर IMF के साथ बन के रहिएगा ठीक है, तो आपको क्या है जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको फंड मिल जाता है ठीक है। अगर आप IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अगर आप दूर रहिएगा ठीक है, और अदर कंट्रीज, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आप उससे दूर होकर आप पूरी कंट्रीज पे टोटली 90 to 95% डिपेंड हो जाए, नहीं ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना और सऊदी अरेबिया पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रेंडली, जो ये फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये अपना दिखाते थे कि हाँ भाई चाइना जो है मेरा चाइना ही है, जो है मेरा सऊदी अरेबिया ही, और इसकी वजह से ये IMF को अवॉइड करते थे। तो IMF अब तो भाव खाएगा भाई, अब तो बोलेगा कि अब तो मेरे पास ही तुम आओगे, आप कहाँ जाओगे ठीक है। अब तो चाइना ने भी आपको ठेंगा दिखा दिया और सऊदी अरेबिया भी बोल रहा है ठीक है। सऊदी अरेबिया ने भी आर्टिकल में छाप दिया था कि ये इन्होंने छापा था ना नवंबर 2021 में एक आर्टिकल आया था डॉन का, उसमें बोला था कि रियाद है कभी भी पैसा मांग सकता है पाकिस्तान से ठीक है। तो उस टाइम क्या कीजिएगा ठीक है, तो मेरे पास ही आइएगा ठीक है। तो आप इस टाइप के यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी ठीक है। जो न्यू गवर्नमेंट है नाउ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहती है IMF के साथ ठीक है, और जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो अब जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करना चाहती है IMF के साथ, एंड इट नाउ बैक टू IMF एंड इट एक्सपेक्ट दैट IMF टू रिलीज द पेमेंट ठीक है। तो IMF वो एक्सपेक्ट करते हैं कि IMF उनके लिए पेमेंट रिलीज करे और सपोर्ट प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोग्राम दे और एक लॉन्गर रोप दे टू रिपे ठीक है, तो एक लंबा अंतराल दे उनको पेमेंट देने के लिए वापस ठीक है। सो IMF ये भी ऐसा नहीं है कि IMF प्रोवाइड करेगा नहीं लोन, IMF इज विलिंग टू सपोर्ट ठीक है, IMF इज विलिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन रख दिया उन्होंने रिगार्डिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ कंडीशन यहाँ पर रख दिया है ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये सब कब निकल के आई थी, IMF ने अपने स्टेटमेंट में दिया था इन लास्ट मीटिंग 2022 मई में ठीक है। IMF वांट पाकिस्तान टू एड्रेस हाई इन्फ्लेशन ठीक है। IMF क्या चाहता है कि पाकिस्तान टू एड्रेस हाई इन्फ्लेशन एंड एलिवेट फिजिकल एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता होगा ठीक है, एक होता है क्या जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट का इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, वो फिजिकल अकाउंट डेफिसिट हो गया ठीक है। और फिजिकल जो वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, और फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है जो चीज़ें आपको सब कुछ पता ही है ठीक है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको मैंने होप समझा दिया कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सरकार चाहे वो गुड्स हो गई चाहे वो सर्विसेज हो गई ठीक है, वो इंपोर्ट ज़्यादा करेगी और एक्सपोर्ट कम करेगी, तो वो क्या हो जाएगा वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा ठीक है। जहाँ पर जो गवर्नमेंट की टोटल वैल्यू होती है गुड्स सर्विसेज की इज इंपोर्टेड बाय अ कंट्री बिकेम हायर देन द टोटल वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सर्विस इज एक्सपोर्टेड ठीक है, तो वो हायर हो जाती है ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसकी, मान लो गवर्नमेंट ने एक चीज में स्पेंड किया, मान लो गवर्नमेंट ने सपोज गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया ठीक है, रिलायंस कंपनी में वो किया ठीक है, रिलायंस में सपोज स्पेलिंग पे मत जाना ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, रिलायंस पे उसने वो क्या किया स्पेंड किया ठीक है, और कितना लगभग $100 million इसने स्पेंड किया ठीक है, और इससे इसको वापस मिला $90 million ठीक है। तो जो स्पेंड किया है जो इसने लगाया है इसके ऊपर उससे इसको नहीं मिला, हालांकि इसको लॉस ही हो गया ठीक है। तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए ठीक है। तो ये होप आपको मैं समझा पाया हूँ। वाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द फॉर द मोस्ट वल्नरेबल्स ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वनरेबल्स हैं उनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन दीजिए, इंश्योर कीजिए। IMF ये भी चाहता है पाकिस्तान टू बी ट्रांसपेरेंट ठीक है, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट हो जाए अबाउट इट डेब्ट सिचुएशंस ठीक है, एंड इंक्लूडिंग व्हाट इस्लामाबाद ओज टू चाइना एज अ पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग भी इन्होंने वार्निंग की है। IMF में एग्री टू सपोर्ट ठीक है, IMF एग्री हो गया है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, लेकिन बहुत ही कम देगा। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करते तो ये पैकेज होगा ये जो पाकिस्तान चाहता है कि IMF से मिले वो नहीं मिल पाएगा ठीक है, बहुत ही कम सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा IMF के द्वारा ठीक है। तो जो पाकिस्तान चाहता है वो नहीं हो पाएगा अगर ये अपने मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं तो ठीक है। सो ये सारे जो रीजंस हैं ना, ये सारे रीजंस ऐसा नहीं है कि इनके टाइम पर हुआ, बहुत पहले से 2008-13 में जो सरकार थी पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उसके बाद जो आप वहां पर देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग आए, उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान तरक इंसाफ आया ठीक है। तो उसके बाद ये सब सारी चीजें यहां पर देखने को यहां पर मिली, उसके बाद सिचुएशन इंटेंस होती चली गई ठीक है। क्या फ्रेंडली कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है, तो फ्रेंडली कंट्री विदाउट प्री कंडीशन सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल। हाँ मैं मानता हूं कि जो चाइना
चाइना है या फिर सऊदी अरेबिया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ है, जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के गद्दी संभाली तुरंत वो विजिट पे चले गए थे सऊदी अरेबिया पे फॉर सिक्योरिंग अ लोन, ठीक है। इन अर्ली मे 2020 रियाद एग्री टू प्रोवाइड 8 बिलियन लोन, ठीक है। तो रियाद एग्री हो गया कि $8 बिलियन का लोन देगा किसको, पाकिस्तान को, इन December 2021, ठीक है। इमरान खान उसमें से सिक्योर किए $3 बिलियन, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। एंड ये भी हमको भूलना नहीं है कि रियाद का जो सपोर्ट है इट वाज नॉट अनकंडीशनल, ठीक है, ये अनकंडीशनल नहीं है, ठीक है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था November 2021, इसी आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें रियाद ने पाकिस्तान को बोला था टू रिटर्न दियर मनी, ठीक है, मनी को रिटर्न कीजिए एट एनी टाइम इफ द कंट्री कंट्री इफ द टू कंट्रीज हैव डाइवर्जेंट व्यूज रिगार्डिंग दियर रिलेशनशिप्स, अगर दोनों कंट्रीज के जो रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग अगर व्यूज है वो डाइवर्जेंट होते हैं तो ये मांग लेगा पैसे, कभी भी मांग सकता है, ठीक है। और ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना हैज बीन अनदर सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो चाइना हमेशा से अलग सोर्स रहा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और इस्लामाबाद हैज रेगुलरली सीकिंग लोन फ्रॉम चाइना विद इन एंड आउटसाइड CPEC प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हमेशा जो IMF है वो बोलता है कि आप इसको हटाइए, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट रहने की आपको जरूरत है, और हमेशा से पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड रहा है, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट सोर्स रहा है पाकिस्तान का चाइना, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी ड्यूरिंग द लेटेस्ट मीटिंग ये भी बताया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम के द्वारा मीटिंग में कि जो पाकिस्तान है इट मे बी आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट में आउट हो सकता है। उसके बाद जो पाकिस्तान को है IMF की वो मिल जाएंगी, ठीक है, पैकेज भी मिल सकती है, ठीक है। ओके, सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट, मैं आपको ये बता दूँ कि जो चीज़ें हैं क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है वो अगेन श्रीलंका की जैसी हो जाएगी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और नाउ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एपिक्स लेवल पर चली गई, ठीक है। तो सिचुएशन वॉज सिमिलर इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो सिचुएशन था वो सिमिलर था, और जो रुपीज जो वैल्यू थी रुपीज़ की वो डिक्लाइन करती चली गई, फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ये गिरते चले गए, ठीक है। IMF के साथ उनके भी डिफरेंसेस बढ़ते चले गए थे, उसकी वजह से उन्होंने हेल्प नहीं किया, फ्यूल के प्राइस राइज होते चले गए, ठीक है। इसमें इन सब की वजह से हमने एक देखा कि यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ श्रीलंका और सरकार गिरा दी गई और नया सरकार बनाया गया, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी भी जो सिचुएशन है अभी काबू में नहीं है, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने आपको होप समझा पाया हूँ, ठीक है। पाकिस्तान का जो कंडीशन है नाउ आपको समझ में आ गया होगा, IMF क्या चाहता है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ठीक है, IMF की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है, स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान विल गो लाइक इन श्रीलंका वेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होप मैं आपको समझा पाया, ओके। सो इस आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट था, और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, लेट्स मूव अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। पुट बॉर्डर इश्यूज इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस वैंग यू, ठीक है। तो चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने इंडियन एनवॉय सबमिट किया, और जो इन्होंने हाईलाइट किया, जो जयशंकर जी का है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट किया फॉर द डिसअप्रूवल ऑफ यूरोपियन क्रिटिसिज्म ऑन यूक्रेन, ठीक है। तो आपको पता है हमारे जो एस जयशंकर मिनिस्टर जी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट, ठीक है, यूरोप को माइंडसेट अपने दिमाग से ग्रो होने की जरूरत है। ये सबको पता है यूरोप की जो प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वर्ल्ड की प्रॉब्लम ये यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये उन्होंने बोला था, मिस्टर जयशंकर सेड दैट इंडिया वॉज परफेक्टली कैपेबल टू मैनेजिंग द बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना एंड रिजेक्टेड वेस्टर्न अटेम्प्ट टू ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन रशिया एंड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है इन मैनेजिंग द बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, एंड इन्होंने जो वेस्टर्न का जो अटैम्प्ट था उनको रिजेक्ट किया टू ड्रॉ द कनेक्शन बिटवीन रशिया एंड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, विच इंडिया हैज बीन अर्ज्ड टू कंडेम एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस विद चाइना, ओके। सो दीज थिंग्स आर हैपन ओवर देयर, ठीक है। चाइनीज फॉरन मिनिस्टर इंडियन एनवॉय से मिले, उसके बाद ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई, ठीक है, बायलेटरल टाइज में, ठीक है। नाउ इंडिया इज गोइंग टू ओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल, ठीक है, और कुछ एड्स भी भेजे गए। आपको पता चल रहा होगा कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, ठीक है, ड्यू टू अर्थक्विक बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 1100 लोगों की मौत हो गई है और 1500 से भी ज़्यादा लोग घायल है, तो ये आंकड़ा बढ़ के आपको 2000 से भी ऊपर ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही एकदम हरी अप में इंडिया ने कंडेम्ड किया है, ऑफकोर्स इंडिया ने कंडेम्ड किया है, और एक बहुत ही बड़ा ओपन पैकेज खोला है किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रिलीफ को सेंड किया गया फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान ऑन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट के थ्रू इसको भेजा गया फर्स्ट कंसाइनमेंट, ठीक है, और ये रिसीव कर लिया गया है, ठीक है।
और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस की सिचुएशन है, ठीक है। और इसको इसमें जो एयरक्राफ्ट था वो कौन था, इसमें जो एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है IAF का IS-76 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया है फॉर सच मिलिट्री एंड नॉन कॉपरेशन ट्रांसपोर्ट सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इंडिया ने भेजा है, रिलीफ भेजा है, ठीक है, टू द अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान को एक रिलीफ असिस्टेंट दिया गया है नाउ इंडिया ने, ठीक है। और ये पहला असिस्टेंट आफ्टर द अर्थक्वेक, ठीक है। नाउ इंडिया इज गोइंग टू ओपन इट्स एम्बेसी इन अफगानिस्तान एंड विल बिकम द 15th मिशन टू ओपन एम्बेसी इन काबुल, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने खोल रखा है एम्बेसी को काबुल में, ठीक है, अंदर द तालिबान रिजीम, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, आप सबके लिए काम होगा कि मेरे को आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम बताइएगा, ठीक है, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इस आर्टिकल में यही था कि इंडिया एम्बेसी ओपन करेगा और 15वां बन जाएगा कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा इस आर्टिकल में क्या था कि अपना पहला कंसाइनमेंट इंडिया ने भेज दिया ऑफ रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। फर्स्ट कंसाइनमेंट सेंड कर दिया गया है, ठीक है, अर्थ अफेक्टेड एरियाज में पहले भेजा गया है, ठीक है। आपको पता है अर्थ अफेक्टेड एरियाज ज्यादातर कहां आपको देखने को मिलेगा, दुरंद लाइन के ऊपर। दुरंद लाइन कहां है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर है दुरंद लाइन। इससे थोड़ा सा इंपैक्ट आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिला है अर्थक्वेक का, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा असर किया है किसको, अफगानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट को बहुत ज्यादा असर किया है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि मैग्नीट्यूड कितना था, 6.1 का मैग्नीट्यूड था, ये अंदाजा लगाया गया है, ओके। नाउ मूविंग अदर्स आर्टिकल देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि नहीं, ठीक है। इंडिया इज सेंट्रल टू ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड व्यूज, ठीक है, इंडिया इज वेरी सेंट्रल टू ऑस्ट्रेलिया, ये किसने कहा है, डिप्टी PM मार्ले ने कहा है, ठीक है, रिचर्ड मार्ले ने कहा है कि इंडिया इज सेंट्रल, कंप्लीटली सेंट्रल टूवर्ड्स वर्ल्ड व्यूज, ठीक है। और बहुत सारी इन्होंने बातें की है रिगार्डिंग LACs के ऊपर, बातें की है जो चाइना का असेशन है, ठीक है, चाइना का जो असेशन है, चाइना का जो कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज वॉकिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हम दोनों कंट्रीज ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटीज कॉपरेशन के बीच में हम कह रहे हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटीज कॉपरेशन हमारे बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, नाउ हमने इसको एक्सपैंड भी किया है, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सी अ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। नाउ आने वाले दिनों में अगस्त में आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज होने वाला है, इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है। ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स उसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको पता है कि चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, चाइना इज आर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड दैट द सेम फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर ऑस्ट्रेलिया चाइना इज आर लार्जेस्ट सिक्योरिटी एनेक्सिटी, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है। जैसे कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन पर बात की गई है, दोनों कंट्रीज में दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आप अगस्त में देखें तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होगी, वो पिच ब्लैक के नाम से होगी, इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू द पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, मनरेगा का यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है, इस आर्टिकल में मनरेगा का बात किया गया है, तो हम मनरेगा से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले क्या था, मनरेगा नहीं था, पहले नरेगा था, ठीक है। नरेगा इज व्हाट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये आया नरेगा, बाद में इसको रिनेम्ड कर दिया गया, उसके बाद इसको बनाया गया मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2009, ठीक है, तो 2009 में इसको लाया गया। एंड एक क्या है, ये इंडियन लेबर लॉ है, ठीक है, इंडियन लेबर लॉ है एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मेजर्स दैट एम टू गारंटी द राइट टू वर्क, ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, टू गारंटी द राइट टू वर्क, ठीक है। इसको, इस एक्ट को पास किया गया 2005 में, 23 अगस्त 2005 में अंडर UPA गवर्नमेंट, ठीक है, तो UPA गवर्नमेंट के अंदर में इसको पास किया गया था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो इट्स अगेन इंपॉर्टेंट, ओके, जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें बाद में अमेंडमेंट करके इसको बताया गया, मनरेगा बनाया गया, जिसका मेन मकसद था टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज, ठीक है। तो लाइवलीहुड को एनहांस करना, ठीक है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, ठीक है, 100 दिन का काम देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना इन द फाइनेंशियल ईयर टू एट लीस्ट 1 member of every household, ठीक है, whose adult member volunteer
मैंडेटरी टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। तो जो भी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स हैं उनको वर्क देगा, 100 दिन का वेजेस देंगे इस मनरेगा स्कीम के तहत। वुमेन्स आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब्स मेड अवेलेबल अंडर मनरेगा। अनदर एम ऑफ मनरेगा इज टू क्रिएट ड्यूरेबल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करना मनरेगा का अनदर एम है, ठीक है। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मनरेगा का मेन मकसद याद रखना है आपको कि एक लेबर सिक्योरिटी राइट्स प्रोवाइड करता है, 100 दिन का वेजेस प्रोवाइड करता है स्पेशली अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर, इसको चेंज किया गया 2009 में, ठीक है। इसका नाम को चेंज किया गया 2009 में, ठीक है। और नरेगा से ये जाके मनरेगा बन गया, ठीक है। ये अंडर UPA गवर्नमेंट के अंदर ये किया गया था, उस टाइम पे इसको बनाया गया था, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको लाया गया था। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी। इंडिया ने प्रॉमिस किया है श्रीलंका को टू इट्स फुलेस्ट सपोर्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स हमने देखा है कि इस साल $3.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर दिया हमने श्रीलंका को। एंड अगेन न्यू दिल्ली की सरकार ने, न्यू दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया $500 मिलियन का पैकेज टू द श्रीलंका, ठीक है। और बहुत सारी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ भी भेजने वाले हैं टू द श्रीलंका। और ये बात किसने, ये बात रनिल विक्रम सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इन्होंने भी बोला है कि इन्होंने, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, द हिंदू को इन्होंने कहा है कि कोलंबो हैज साउट फर्दर $500 मिलियन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू इम्पोर्ट फ्यूल एंड अवेटिंग अ रिस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर रनिल, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा थी, वे कहा है न्यू दिल्ली द हिंदू को कि $500 मिलियन का लोन दिया जा रहा है न्यू दिल्ली के द्वारा फॉर द इम्पोर्टिंग ऑफ फ्यूल एंड अदर थिंग्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। जो रिलेशंस है वो सुधरनी चाहिए कंट्रीज के बीच में, ठीक है। मिलके दोनों कंट्रीज को बात करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। इंडिया पहले भी हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है श्रीलंका को, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मेनीज हेल्प, ठीक है, श्रीलंका ने बहुत हमें रिजेक्ट भी किया है इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। आप देख लें, ट्रिनको माले प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे वेरियस कॉरिडोर्स में जो हो गया उन्होंने हमें रिजेक्ट किया, ठीक है। बट हमने ऑफकोर्स हमने नाइबरहुड पॉलिसीज़ के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है किसको, श्रीलंका को। ओके, इंडिया, श्रीलंका हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एसेंशियल फूड आइटम्स, फ्यूल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर अंडर इंडियन क्रेडिट लाइन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही एसेंशियल फूड आइटम्स हमने भेज चुके थे इसको, इनको, ठीक है। और भी बहुत सारे सपोर्ट्स हम कमिट किए हैं कि प्रोवाइड करेंगे टू द श्रीलंका, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, जितना बन सकेगा हम उतना करेंगे, हमारी कंट्रीज़ के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बोथ द साइडेड नीड टू टॉक, ठीक है, बात करने की ज़रूरत है। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग इंडिया एंड श्रीलंका इन्वेस्टमेंट partnership includes the field of infrastructure, connectivity, renewable energy, deepening economic linkage between the both countries, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगेन इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि $500 मिलियन का लोन देंगे टू द श्रीलंका, ठीक है। सो इट इज़ अगेन फॉर द आर नाइबरिंग होड पॉलिसीज के तहत ये दिया जाएगा। ओके, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। AI कैन ऐड $500 बिलियन टू GDP बाई 2025, ठीक है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर अडॉप्शन इंडेक्स की बात की गई है, जिसको निकाला गया है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है NASSCOM के द्वारा, ठीक है। NASSCOM ने कहा है कि दे आर गोइंग टू ऐड $500 बिलियन टू द GDP बाई 2025, ठीक है। 2025 तक वो क्या करेंगे, $500 बिलियन का कंट्रीब्यूट करेंगे इन द GDP। इन्वेस्टमेंट में टच $881 मिलियन बाई 2023, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अडॉप्शन इंडेक्स है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है NASSCOM के द्वारा इन अ बिड टू असेस ट्रेंड इन AI अडॉप्शन इन इंडिया। द इंडेक्स वॉज फर्स्ट डिटेल असेसमेंट ऑफ AI अडॉप्शन, ठीक है, जो डिटेल। तो ये क्या करने वाले हैं, जो इंडेक्स है ये बेसिकली डिटेल्ड असेसमेंट करेगा ऑफ AI अडॉप्शन का, एंड बिगनिंग्स विद 4 key sectors ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो 4 key sectors बैंकिंग के 4 key sectors से ये बिगिन करेगा, ठीक है। पहला क्या है, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। पहला क्या है, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। दूसरा कंज्यूमर्स पैकेज गुड्स। तीसरा रिटेल। चौथा क्या है, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, 4 key सेक्टर पे क्या करेंगे ये, उससे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, दूसरा कंज्यूमर पैकेज गुड्स, तीसरा रिटेल, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल ट्रायल्स एंड ऑटोमेटिक्स, ठीक है। ओके, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज सेक्टर्स कुड बी कल्मुलेटिवली कंट्रीब्यूट्स मोर देन 60% ऑफ इट्स AI पोटेंशियल वैल्यू ऑफ $450 बिलियन टू $500 बिलियन टू द कंट्री GDP बाई 2025, ठीक है। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, अगर इसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमें 450 से 500 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट कर सकता है, मदद कर सकता है टुवर्ड द इंडिया GDP बाई 2025, ये कहा गया है NASSCOM के द्वारा कहा गया है मीडिया कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये एपेक्स बॉडी है,
said global investment in AI had more than doubled over the last couple of years from $36 billion in 2020 to a high of $77 billion in 2021. ठीक है, तो कंटिन्यूसली इसका ग्रो है जो बढ़ता आया है. ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये चार की सेक्टर, बैंकिंग के चार की सेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इन्होंने डिटेल असेसमेंट निकाली है इसकी. ठीक है, और कौन कौन से वो है, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ठीक है, रिटेल एंड हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोटिव. ठीक है, these are the things which you need to understand. Okay, now moving next to the another article. यहाँ पर और कुछ नहीं, एक आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेगी और जहाँ पर ओलंपियन श्री हरि नटराज, मिहिर अंबेर एंड अनीस गोवंडा, ठीक है, अनीस गोवंडा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप ऑन थर्सडे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम आपको याद रखना है कि श्री हरि नटराज, मिहिर अंबेर एंड अनीस गोवंडा. ठीक है, श्री हरि नटराज, मिहिर अंबेर एंड अनीस गोवंडा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द 17th सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप ऑन थर्सडे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है. और कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था. ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट था ये. ठीक है, तो होप आपको पूरा न्यूज़पेपर समझ में आया होगा. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट लेकिन हमें क्या है कि हमें डिस्कशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है, टॉपिक अच्छा लगना चाहिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.